आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। सावन के आखिरी सोमवार को प्रमुख शिवालयों में बोलबम के जयकारे गूंजते रहे, तो वहीं बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में कांवरियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। तो उत्साहित भक्त देर रात से ही लाइन में लगकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अपने नंबर का इंतजार करते रहे। साथ ही अपार भीड़ को देखकर प्रशासन ने भी कमर को कस रखा है, जिस वजह से VVIP दर्शन पर रोक लगा दी गई है। वहीं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़े कांवरियों में सोमवार को जलाभिषेक करने की होड़ लगी रही। नोएडा के एक नामचीन बिल्डर ने खुद के दिवालिया होने की बात कही, जिसके बाद एक बैंक ने बिल्डर के नोएडा स्थित आम्रपाली ग्रुप के कॉरपोरेट ऑफिस को अपने कब्जे में लेकर उसे नीलाम करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। तो वहीं इस घटना के बाद से घर मिलने की तमन्ना लिए हजारों निवेशकों का नुकसान हो गया, जहां ना तो उन्हें फ्लैट मिला और ना अब रुपए वापस मिलने की उम्मीद दिख रही है। वहीं बैंक तो नीलामी से अपना पैसा वसूल लेगा तो प्राधिकरण भी अपनी जमीनें वापस ले लेगा, पर सवाल यह रह जाएगा कि निवेशकों का क्या होगा। बरसात के मौसम में नोएडा प्राधिकरण की पोल खुलती नजर आने लगी है। बता दें कि बरसात के कुछ ही मिनटों बाद जगह जगह भीषण जलभराव हो गया, साथ ही सड़कों पर जलभराव होने से लोगों को आने जाने से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोएडा का पास इलाका का भी यही हाल है, जहां पर बारिश होने के कुछ ही देर में जलभराव हो जाता है। कुशीनगर में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त छापेमारी में असलहा तस्कर को गिरफ्तार किया गया, साथ ही आरोपी के पास से एक पिस्टल और दो तमंचे सहित दो कारतूस भी बरामद किए गए। बता दें कि जिले के जटहा थाने के किन्नरपट्टी गांव में असलहा बेचने का धंधा चल रहा था, तो वहीं पुलिस ने मौके पर कई असलहे भी बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। किन्नरपट्टी जटहा से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इसने बताया कि महाराजगंज में कोई रिलेटिव है इसका जान पहचान का, तो उसके माध्यम से ये क्षेत्र में सप्लाई कर रहा था। ये पूर्व में भी कई जगह पे सप्लाई किया है, जैसे बस्ती गोरखपुर आदि क्षेत्रों में, और आज यहाँ सप्लाई करने के लिए ला रहा था जब से गिरफ्तार किया गया। इसमें 0.32 बोर का एक पिस्टल है, 315 बोर का एक कट्टा है, 12 बोर का एक कट्टा है, और इसकी के साथ दो कारतूस और एक डिस्कवर बाइक मोबाइल और कुछ पैसे बरामद किए गए हैं। इसकी शिनाख्त पे और भी कार्रवाई की जा रही है, जहाँ जहाँ ले जाके बेचता था उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, और जो भी इसमें संलिप्त है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर में एक दुकान में सैंपल लेने गए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि कार्यालय के अधिकारी ने दुकान में रखे एक सामान पर हाथ साफ कर डाला, तो अधिकारी की यह हरकत CCTV कैमरे में कैद हो गई। वहीं जब अधिकारी को इस बात का पता चला तो वह इस बात से नाराज होकर दो दिन बाद पूरी टीम के साथ दुकान पर पहुंचा और भारी मात्रा में कई सामानों का सैंपल अपने साथ ले गया। तो अब दुकान मालिक ने पुलिस में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी उनसे महीने में पैसे देने और चोरी वाले वीडियो की मेमोरी की मांग कर रहे हैं। तो इस मामले में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि अगर ऐसा कुछ है तो पूरे मामले की जांच करेंगे और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारी दुकान से चोरी से एक हींग की डिब्बी वो निकाल के अपने बैग में रख लिए, जो मेरे CCTV फोटोज में जो कैद हो गया है। उसके बाद हम ऑफिस गए लाइसेंस अप्लाई करने बनवाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि जो है अगर सुरक्षित रहना ठीक रहना तो महीना बांध दीजिए, हमारा जो है हम लोगों को जो महीना होता है हर जगह जो लेते हैं उसका महीना बांध दीजिए तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो वरना परेशान हो जाएंगे आप। हमने उनसे यही कहा कि हमारे यहाँ से आप हींग चुरा के ले आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम तुमको देख लेंगे। तो उसके बाद सर जो है आज जो है 4 तारीख है, आज जो है हमारी दुकान पे पूरी टीम लेके वो पहुँचे। पहुँचने के बाद सब लगे हमारे सब स्टाफ को चेक करने देखने, सब कुछ सील्ड करके ले गए। अब बाहर बुला के कहने लगे कि वो चीफ हमें वापस कर दो वरना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इसका परीक्षण करने का एकमात्र अधिकार जो संबंधित न्यायालय है, जब अपने वो पक्ष अपना वो रखेंगे हम अपना पक्ष रखेंगे। आपके संज्ञान में ये दिया जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, इसकी जांच कराएंगे या नहीं? बिल्कुल जांच करावेंगे हम इसकी, यदि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नियमता उसके विरुद्ध आरोप लगाएगी। बहराइच तहसील के 2 दर्जन गांवों में लोगों के मकान, खेत में खड़ी फसलें और स्कूल बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। तो वहीं लगातार बढ़ रहा जलस्तर लोगों की जानमाल पर कहर बरपा रहा है। तो घाघरा नदी खतरे के निशान से 8 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिस कारण जलस्तर में उफान के कारण घाघरा की बाढ़ व कटान आपदा से तटवर्ती ग्रामीणों में खलबली मची हुई है। वहीं मौके पर सूचना पाकर तत्काल NDRF कमांडर ने 3 मोटर बोटों की सहायता से बरुआ बेहड़ गाँव के करीब 300 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही DM और SDM ने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया।
सावन के आखिरी सोमवार को गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, तो वहीं भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए हजारों श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर में मौजूद रहे। वहीं मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी ने बताया कि यह दिन बेहद खास है क्योंकि इस बार सावन में 5 सोमवार हैं, तो भक्तों की भी मान्यता है कि इस मंदिर में रावण ने भी प्राचीन काल में पूजा अर्चना की थी। सावन का जो है आखिरी सोमवार है इस बार 50 वर्षों के बाद में ये 5वां सोमवार जो पड़ा है 50 वर्ष के बाद में, और 9 वर्ष के बाद में ये चंद्र ग्रहण भी है, रक्षाबंधन का टाइम भी है, तो ये विशेष रूप से इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में भगवान का पूजा करने से सभी कुछ अपनी सिद्धि जो भी अपने इच्छा है मन का वो पूर्ण होता है, तो सभी प्रकारों का जो मन में व्यक्ति की कामना है वो पूर्ण होता है। तो पंचगव्य से, पंचोपचार से, पंचामृत से और अपना 16 उपचार से, राजोपचार से, अलग अलग विधान से पूजन होता है। हर व्यक्ति अपने राशि के हिसाब से पूजन करने से उसको श्रेष्ठ फल मिलता है। और इसके अलावा भी भगवान शिव का जल चढ़ाना, जैसे पूरा महीने में वो कोई भगवान के मंदिर में नहीं आया, शिव जी के मंदिर में नहीं आया, तो खाली सावन के महीने में आखिरी सोमवार आने से भी 5 सोमवार का उसका व्रत पूरा होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ने गाजियाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। बता दें कि प्रदेश के राज्य मंत्री पर बिजनौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, जिसका एक सपा नेता पर आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान विवाद करने के बाद सुलह होने के बाद मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया। वहीं मंत्री से सवाल किया गया कि जब प्रदेश में मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम लोग सुरक्षित कैसे होंगे, तो इस पर उनका जवाब गोलमोल रहा। देखिए, बहुत साफ बात है, इसमें कानून व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं है। इस बात से एक समाजवादी पार्टी का एक नेता आता है तो एक परंपरा है कि पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में मिलते हैं। अगर हम सत्ता पक्ष में हैं और विपक्ष का कोई आदमी कोई सहायता मांगने के लिए या अपनी बात कहने के लिए आता है तो एक परंपरा है कि हम उसका साथ देते हैं और उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। कोई ये व्यक्तिगत दुश्मनी कोई होती है, ये तो लोकतंत्र की एक व्यवस्था है कि एक आदमी पक्ष में रहता है, एक विपक्ष में रहता है। ये लोग, इसके ऊपर हमने विश्वास करा, हमने कोई पुलिस की सहायता नहीं मांगी, अतिरिक्त सहायता नहीं मांगी। जो 4-6 लोग से एस्कॉर्ट में यूजुअली होते हैं केवल वही लोग थे। ये एक प्रकार से हमारे साथ विश्वासघात हुआ। गाजीपुर पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों को शादियाबाद तिराहे से गिरफ्तार किया। साथ ही बदमाशों के पास से 2 तमंचे और कई कारतूस सहित लूट की 2 बाइकें भी बरामद की गईं। तो वहीं गिरफ्तार बदमाश कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे, जो अब एक सराफा व्यापारी को लूटने की फिराक में थे। गाजीपुर पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर 6 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया। तो बता दें कि यह अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री नंदगंज थाना के फतेहउल्लापुर गांव में चल रही थी। वहीं पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारकर शराब बनाने वाले उपकरण और केमिकल भी बरामद किए, तो पुलिस को 11 पेटी तैयार की गई अवैध शराब भी मिली। संत कबीरनगर के बालूशासन गांव में सोते समय एक 14 वर्षीय किशोरी की रहस्यमय परिस्थितियों में चोटी कटने से गांव में सनसनी फैल गई। तो चोटी कटने की बात सुनकर पीड़ित के घर में गांव वालों का मजमा जुट गया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर आला अधिकारी ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की। बलरामपुर के गांव खगई जोत के मजरा भरिया में बीती रात एक लड़की की चोटी कट जाने की घटना के बाद क्षेत्र में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी, तो मौके पर तमाम लोग घटना को देखने के लिए पहुंच गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थलीय निरीक्षण के बाद जांच की बात कही। साथ ही पुलिस क्षेत्राधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील भी की। हापुड़ के नगला काशी गांव में रक्षाबंधन का त्यौहार बहनों के लिए खास रहा। बता दें कि यहां पर खुले में शौच जाने वाली बहनों को भाइयों ने घर में ही शौचालय का गिफ्ट दिया, जिसके तहत गांव के 3 भाइयों ने अपनी बहनों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए। वहीं भाइयों द्वारा शौचालय के पैसे दिए जाने से बहनों की खुशी भी साफ झलक रही थी। मथुरा के सिंचाई विभाग के कई अधिकारी यहां के कई कार्यों में बड़ा घोटाला करने के बाद अपना ट्रांसफर कर यहां से चले गए, तो वहीं अब सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं है और न ही कोई जानकारी देने के लिए तैयार है। वहीं जब अधीक्षण अभियंता से सिंचाई विभाग में हुए घोटाले की जानकारी मांगी गई तो उनके द्वारा साफ इनकार कर दिया गया। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करने से भी मना कर दिया। तो वहीं सूत्रों की माने तो कई कार्यों के लिए सरकार की तरफ से कई रुपए आए थे, लेकिन किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं किया गया।
आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।